नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। जिले की सबसे प्रमुख फसल अफीम के डोरों से अफीम निकलने को तैयार है। आज नीमच जिले के रायसिंहपुरा क्षेत्र के किसानों ने खेतों में मां कालिका और गणेश जी की पूजा कर डोरों में चीरा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अब प्रतिदिन डोरों से अफीम निकलेगी और सुबह सुबह किसान उसे बर्तन में एकत्र कर घरों में सुरक्षित रखेंगे। अब किसानों का एक घर खेत भी बन गया है। रखवाली के लिए यहाँ 24 घंटे कोई न कोई सदस्य मौजूद रहेगा। किसान अफीम फसल की शुरुआत से ही बच्चों की तरह देखभाल करता है। काले सोने की रखवाली के लिए खेतों पर ही हर समय किसान व परिवार के सभी सदस्य डटे हुए हैं। अफीम के डोड़ों में चीरा लगाने के साथ ही अब खेतों में अफीम की देखरेख के लिए किसानों की चिंता बढ़ गई है। रोजड़ों के आतंक से भी किसान डरे हुए हैं, तो साथ ही डोड़ा चोरी की घटनाओं ने भी उनकी चिंता और बढ़ा रखी है। यही वजह है कि किसान व परिवार के सदस्य अफीम फसल की रखवाली में जुटे हुए हैं। खेतों पर ही किसानों की सुबह शाम और रात हो रही है। परिवार के सदस्य भी खेत पर मौजूद हैं। जैसा कि आज मैं माँ काली का स्वरूप अफीम के पास खड़ा हुआ हूँ, आज मेरी अफीम 4 माह की पककर तैयार हो चुकी है। जैसा कि आज रविवार है, तो रविवार के दिन हमने माँ काली की पूजा अर्चना की है और आज शुभ दिन माना जाता है। रविवार माँ काली का दिन माना जाता है और आप देख सकते हो कि माँ अफीम भी पककर तैयार हो चुकी है और इसको चीरा लगाने का जो कार्य है वो हम ये बदल जो हो रहे हैं मौसम अनुकूलित देखकर और इसका चीरा का शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन आज हमने माँ काली का पूजा अर्चना कर और इसकी माँ मन्नत मांगी है। माँ औसत जो सरकारी औसत है वो पूर्ण करे। ये 4 महीने की फसल है, ये पक्के तैयार हो गई और इसको रात दिन हमने मेहनत करके और खूब खून पसीने से मेहनत करके हमने इसको सींचा है और बच्चे की तरह पाला है। और आज माँ काली का रविवार है, आज माँ कालिका की पूजा करते हैं। हमारे रीति रिवाज पुराने हमारे बाप दादा सब करते आए हैं और हम इस काली माँ की पूजा करते हैं। और हमारे इस काली माँ की पूजा करने से हमारे जो भी संकट है, जैसे बादल है, पानी है, चोर है, लुटेरे हैं, इन सबको हम काली माँ हमारी रक्षा करती। और जब भी ये हमारा चीरा पूरा होता है तो हम पूरा सह परिवार के साथ काली माँ के दर्शन करने चित्तौड़ जाते हैं और काली माँ से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ हमारी रक्षा करना और हमारे इस खेती से के लिए हमारी जो भी मनोकामना है उनसे पूरी मांगते हैं, मेहनत करते हैं। प्रदेश हलचल के लिए नीमच से शैतान सिंह कछावा की रिपोर्ट।